में परसेंट हारे हुए मुकाबले को इस तरह से किया, भारतीय टीम ने अपने नाम पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल देव क्रिकेट में। भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर 12 का चौथा मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिरकार किस तरह से यहाँ पर भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इतिहास रचा और पाकिस्तान की टीम के सामने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है। तो दोस्तों, इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए बने रहे इस वीडियो का आखिर तक। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और साथ ही साथ इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। अगर आप भी चाहते हैं कि आने वाले मुकाबलों में भी भारतीय टीम इसी तरह का शानदार परफॉर्मेंस करे और बचे हुए मुकाबलों में भी शानदार जीत दर्ज करे और ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 की विनर टीम बने, तो इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 1000 लाइक। तो उम्मीद है दोस्तों, आप जल्द इस लाइक टारगेट को पूरा करेंगे। तो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच यहां पर सुपर 12 का चौथा मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान की टीम के सामने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है। जहां पर हम बात करें आज के मुकाबले की शुरुआत की, तो यहां पर भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए पाकिस्तान की टीम को आमंत्रित किया। पाकिस्तान की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे मोहम्मद रिजवान के साथ कप्तान बाबर आजम, जहाँ पर आज के मुकाबले में कप्तान बाबर आजम अपना खाता भी नहीं खोल पाए और इनको बोल्ट यहां पर हर्षदीप सिंह ने कर दिया। इसके बाद यहां पर नंबर वन पर बल्लेबाजी कर रहे यानी कि ओपनिंग जोड़ी में मोहम्मद रिजवान जो कि हमें बल्लेबाजी करते हुए दिखे, ये भी 12 गेंदों पर मात्र 4 ही रन बना पाए और इनको भी बोल्ट यहां पर हर्षदीप सिंह ने कर दिया। यानी कि भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हर्षदीप सिंह ने काफी शानदार परफॉर्मेंस किया। तो वहीं पर नंबर तीन पर पाकिस्तान की टीम की तरफ से युवा बल्लेबाज शान मसूद ने काफी शानदार परफॉर्मेंस किया, जहां पर 42 गेंदों पर 52 रनों की नाबाद पारी के लिए जिसमें 5 चौके भी शामिल थे। इनके शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत यहां पर पाकिस्तान की टीम ने एक सम्मानजनक स्कोर को भी खड़ा किया। इसके बाद यहां पर इफ्तिकार अहमद ने भी काफी शानदार परफॉर्मेंस किया, 34 गेंदों पर 51 रन बनाए जिसमें 2 चौके और 4 छक्के भी शामिल थे और इनको बोल्ट यहां पर मोहम्मद शमी ने किया। इसके बाद शादाब खान हमें बल्लेबाजी करते हुए दिखे, इन्होंने भी 6 गेंदों पर मात्र 5 ही रन बनाए और इनका विकेट यहां पर हार्दिक पांड्या ने लिया। इसके बाद हैदर अली भी आज के मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए, इन्होंने भी 4 गेंदों पर मात्र 2 ही रन बनाए और इनको बोल्ट यहां पर हार्दिक पांड्या ने किया। इसके बाद मोहम्मद नवाज हमें बल्लेबाजी करते हुए दिखे, इन्होंने भी आज के मुकाबले में कुछ खास नहीं किया, इन्होंने भी 6 गेंदों पर मात्र 2 ही रन बनाए जिसमें 2 चौके भी शामिल थे और इनको बोल्ट यहां पर हार्दिक पांड्या ने किया। इसके बाद हमें आसिफ अली बल्लेबाजी करते हुए दिखे, इन्होंने भी 3 गेंदों पर मात्र 2 ही रन बनाए और इनका विकेट यहां पर हर्षदीप सिंह ने लिया। इसके बाद शाहिनशाह अफरीदी हमें बल्लेबाजी करते हुए दिखे, इन्होंने भी 8 गेंदों पर 16 रन बनाए जिसमें 1 चौका और 1 छक्का भी शामिल था और इनको बोल्ट यहां पर भुवनेश्वर कुमार ने किया। इसके बाद अंत में यहां पर हारिस रऊफ ने 4 गेंदों पर 6 रनों की पारी खेली, यानी कि अंत में इस खिलाड़ी ने यहां पर छक्का लगाकर इस नाबाद पारी को फिनिश किया और यहां पर पाकिस्तान की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 159 रनों का लक्ष्य भारतीय टीम के सामने रखा। वहीं पर दोस्तों, हम बात करें यहां पर पाकिस्तान की टीम की गेंदबाजी की, तो गेंदबाजी भी आज के मुकाबले में कुछ खास नजर नहीं आई। हालांकि यहां पर नसीम शाह ने 4 ओवर में 23 रन खर्च करने के बाद 1 विकेट लिया, तो वहीं पर हारिस रऊफ ने भी 4 ओवर में 36 रन खर्च करने के बाद 2 विकेट अपने नाम पर किए, तो वहीं पर मोहम्मद नवाब ने भी यहां पर 4 ओवर में 42 रन खर्च करने के बाद 2 विकेट अपने नाम पर किए। वहीं पर दोस्तों, हम बात करें यहां पर 159 रनों के इसी लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत की, तो भारतीय टीम की शुरुआत आज के मुकाबले में काफ़ी शानदार देखने को मिली। हालांकि यहां पर शुरुआती खिलाड़ी कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन नंबर 3 पर विराट कोहली और यहां पर हार्दिक पांडे की शानदार पारियों की बदौलत यहां पर टीम ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है। जहां पर टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे टीम के कप्तान रोहित शर्मा के साथ वॉइस कैप्टन KL राहुल, जहाँ पर रोहित शर्मा ने 7 गेंदों पर मात्र 4 ही रन बनाए और इनको बोल्ट यहाँ पर हारिस रऊफ ने कर दिया। इसके बाद नंबर 1 पर बल्लेबाजी कर रहे यानी कि टीम इंडिया के वॉइस कैप्टन लोकेश राहुल भी 8 गेंदों पर मात्र 4 ही रन बना पाए और इनको बोल्ट यहाँ पर नसीम शाह ने कर दिया। यहाँ पर यानी कि यहाँ पर भारतीय टीम की शुरुआत तो कुछ खास नहीं रही, जहाँ पर भारतीय टीम ने 15 रन खर्च करने के बाद मात्र 8 ही रन बनाए। इसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे विराट कोहली ने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस किया, आज के मुकाबले में 53 गेंदों पर 82 रनों की शानदार पारी खेली जिसमें 6 चौके और 4 छक्के भी शामिल थे। इनकी इस नाबाद पारी की बदौलत यहाँ पर भारतीय टीम ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है। वहीं पर नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव हमें बल्लेबाजी करते हुए दिखे, इन्होंने 10 गेंदों पर 15 रन बनाए जिसमें 2 चौके भी शामिल थे, लेकिन इनका विकेट गिरा यहाँ पर हारिस रऊफ के रूप में।
इसके बाद अक्षर पटेल हमें बल्लेबाजी करते हुए दिखे। ये भी आज के मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए। इन्होंने भी 3 गेंदों पर मात्र 2 ही रन बनाए और इनको रनआउट किया। यहाँ पर टीम के कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने, इसके बाद हार्दिक पांड्या ने भी आज के मुकाबले में काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस किया। इन्होंने भी 37 गेंदों पर 40 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 1 चौका और 2 छक्के भी शामिल थे और इनका विकेट गिरा यहाँ पर मोहम्मद नवाज के रूप में। इसके बाद दिनेश कार्तिक, जो कि काफ़ी शानदार खिलाड़ी है, लेकिन आज के मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए। इन्होंने 2 गेंदों पर मात्र 1 ही रन बनाया और इनका विकेट यहाँ पर मोहम्मद नवाज के रूप में गिरा। इसके बाद अंत में यहाँ पर रवि चंद्रन अश्विन ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 1 गेंद पर 1 रनों की नाबाद पारी खेलकर यहाँ पर भारतीय टीम को एक शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई है। वहीं पर दोस्तों हम बात करें यहाँ पर भारतीय टीम की गेंदबाजी की, तो आज के मुकाबले में टीम इंडिया की गेंदबाजी काफ़ी शानदार देखने को मिली थी, जहाँ पर भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में 22 रन खर्च करने के बाद 1 विकेट अपने नाम पर किया। तो वहीं पर अर्शदीप सिंह ने भी 4 ओवर में 32 रन खर्च करने के बाद 3 विकेट लिए। तो वहीं पर मोहम्मद शमी ने भी 4 ओवर में 25 रन खर्च करने के बाद 1 विकेट लिया। तो वहीं पर हार्दिक पांड्या ने भी 4 ओवर में 30 रन खर्च करने के बाद 3 विकेट अपने नाम पर किए। यानी कि यहाँ पर भारतीय टीम की शानदार गेंदबाजी और बल्लेबाजी की बदौलत यहाँ पर टीम इंडिया ने पाकिस्तान की टीम को 4 विकेट से हराकर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है, जहाँ पर भारतीय टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर 160 रन बनाकर पाकिस्तान की टीम को 4 विकेट की बढ़त से इस मुकाबले में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए हराकर यहाँ पर इतिहास रचा है। तो दोस्तों आने वाले मुकाबले में आपके हिसाब से क्या पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया का परफॉर्मेंस इसी तरह का देखने को मिलेगा और क्या टीम के कप्तान अब भी रोहित शर्मा, जो कि अपनी फॉर्म में नहीं लौटे, वो अगले आने वाले मुकाबलों में कमाल का परफॉर्मेंस कर पाएंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।